सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुनील का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए उदारता की खाल ओढ़े उच्च वर्गीय खोखले और दोहरे चरित्र को बेनकाब करती यशपाल की कहानी करुणा। तालुकेदार समाज के लोग जगनपुर तालुका के राजा विष्णु प्रताप सिंह को कुछ अद्भुत आदमी समझते थे। कुछ लोग उन्हें साहब कहकर पुकारते थे, कुछ खबती समझते थे और कुछ बैरागी। राजा साहब ने आरंभिक शिक्षा लखनऊ के कालविन तालुकेदार कॉलेज में पाई थी। अपने अध्यापक के उत्साहित करने से शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज में एमए तक पढ़ते रहे। तालुकेदारों को ऐसी शिक्षा की भला क्या जरूरत थी। राजा विष्णु प्रताप की आयु 14 वर्ष की थी, तभी उनके पिता राजा नरेंद्र प्रताप सिंह का स्वर्गवास हो गया। सरकार ने तालुके का प्रबंध कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुर्द कर दिया। आयु 21 वर्ष की हो जाने पर राजा विष्णु प्रताप अपने तालुके का प्रबंध संभालने का अधिकार पा सकते थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। बोले, अच्छा खासा प्रबंध चल तो रहा है। वे कैम्ब्रिज में पढ़ाते रहे, फिर 2 वर्ष यूरोप में बैठे रहे। उनकी माता रानी साहिबा को उनके विवाह की चिंता खाए जा रही थी। लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि राजा विष्णु प्रताप जरूर किसी मेम के चक्कर में हैं। लेकिन राजा साहब विलायत से लौटकर लखनऊ की कोठी में रहने लगे तो ना कोई मेम आई, न विशेष भोग विलास का कोई दूसरा चिन्ह दिखाई पड़ा। राजा साहब विलायत से लाए थे पुस्तकों के कुछ बक्से, चित्र बनाने का बहुत सा सामान और 2 कुत्ते। प्रकट में राजा साहब को रियासती काम से वैराग्य और रियासती ढंग से चिढ़ जान पड़ती थी, लेकिन छठे छमाही जब कभी हिसाब देखने बैठते तो इस बारीकी से पड़ताल करते कि मैनेजर पेशकार और अहलकार थर्रा जाते। छोटी से छोटी त्रुटि की ओर संकेत कर जवाब तलब करते। उदारता भी थी परंतु बेपरवाही नहीं। राजाओं का ढंग यही था कि या तो हाथी पर बैठा दें या हाथी के पांव तले डाल दें। डांट डपट और काली कलौज के बजाय उनका पुचकार, उनका चुपचाप घूर कर देख लेना ही काफी था। राजमाता का मन दहलता रहता, ये ब्याह नहीं करेगा तो क्या होगा, उत्तराधिकारी के बिना रियासत का क्या होगा। राजा साहब की संगत भी तालुकेदार लोगों से नहीं, 2-4 वकील डॉक्टरों या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से थी। लोग उन्हें आधुनिक और प्रगतिशील विचारों का समझते। युवक उन्हें अपने सांस्कृतिक आयोजन का प्रधान बनाने लगे। स्कूल कॉलेजों के प्रबंधक उन्हें अपने जलसों का सभापति बनाना चाहते थे। राजा साहब जानते थे कि लोग उन्हें ऐसा सम्मान देकर उनसे आर्थिक सहायता की आशा करते हैं। उन्होंने ऐसे कामों के लिए 10,000 वार्षिक नियत कर दिया था। जब यह रकम समाप्त हो जाती तो उत्सव समारोह के प्रधान बनने का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। राजा साहब से महिला कॉलेज के वार्षिकोत्सव में पुरस्कार वितरण के लिए अनुरोध किया गया था। राजमाता लखनऊ आई थी, राजा साहब उन्हें भी साथ ले गए। उत्सव में कुछ लड़कियों ने कविताएं पढ़ी, कुछ ने संगीत सुनाया, 1-2 नृत्य भी हुए और फिर राजा साहब ने पुरस्कार बांटे। कई पुरस्कार थे और अनेक लड़कियों ने, विशेषकर युवा लड़कियों ने, पुरस्कारों को कई ढंग से स्वीकार किया। उनकी पोशाकें आकर्षक थी। कोई लड़की पुरस्कार लेने की आशंकित होकर सामने आई, कोई लजा कर, किसी ने निर्भय आंखें मिलाकर पुरस्कार लेकर धन्यवाद दिया। पुरस्कार पाने वाली लड़कियों में एक थी बीए श्रेणी की संतोष। बिल्कुल सफेद ब्लाउज, सफेद धोती पहने, आंखें झुकाए, लेकिन बिना झिझके पुरस्कार में दिया जाने वाला पुस्तकों का बंडल विनय पूर्वक ले लिया और संकेत से धन्यवाद प्रदर्शन कर लौट गई। राजा साहब का संतोष से पहला कोई परिचय नहीं था, परंतु उसके चेहरे पर नजर पड़ने से उन्हें कुछ याद आ गया। उत्सव समाप्त होने से पहले उनकी दृष्टि 2 बार उसकी ओर फिर गई। पुरस्कार वितरण उत्सव के बाद राजमाता प्रातःकाल की पूजा समाप्त कर राजा साहब के कमरे में प्रसाद और आशीर्वाद देने आई। राजमाता अपनी पूजा में नित्य भवानी से बहू का मुंह दिखाने का वरदान मांगती थी।
राजा साहब ने उन्हें जरा बैठ जाने के लिए कहा और बोले, अम्मा जी उस दिन महिला कॉलेज के जलसे में एक लड़की देखी थी, अगर उसके ब्याह की बातचीत कहीं ना हो गई हो तो तुम बात करके देख सकती हो। राजमाता के कलेजा बल्ली उछल पड़ा। कौन सी बेटा? राजा साहब ने माँ को जरा शांत होकर सुन लेने को कहा, मगर जरूरी बात यह है कि आप या लड़की के परिवार वाले ही लड़की से ये जरूर पूछें कि वो किसी दूसरे से शादी तो नहीं करना चाहती। यदि उस लड़की का ब्याह दूसरी जगह तय नहीं हुआ है तो मैं उससे ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। और राजा साहब ने बता दिया, उस लड़की का नाम संतोष है, बीए में पढ़ती है। उसे सबसे अच्छा निबंध लिखने के लिए इनाम मिला था। इसमें जाति पाति का बखेड़ा डालने की कोई जरूरत नहीं है। विवाह मैं सिविल मैरिज के ढंग से करूँगा। राजा साहब ने ऐसी बातें 6-7 पहले की होती तो राजमाता को प्रत्येक बात पर आपत्ति होती, लेकिन इस समय तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो भवानी ने उनकी प्रार्थना पूरी कर दी। राजमाता ने आंखें मूंद कर भवानी को स्मरण कर हाथ जोड़े उस समय मोटर में बैठकर लड़की का पता लेने के लिए कॉलेज की प्रिंसिपल से मिलने गईं। संतोष के मामा फेडरेशन बैंक के मैनेजर थे। राजमाता के प्रस्ताव पर संतोष की मामी के मन में केवल एक आपत्ति उठी, हाय हमारी निर्मल संतोष से कहीं अच्छी है, 6 महीने बड़ी भी है, पर वो तो उस जलसे में गई ही नहीं थी। निर्मल महिला कॉलेज की अपेक्षा अधिक अच्छे समझे जाने वाले और खर्चीले आईटी कॉलेज में पढ़ती थी। मामी को इस बात का संतोष भी हुआ कि भांजी की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस तरह बिना किसी खर्च के पूरी हो जाएगी। इतने बड़े राजा साहब को दहेज का क्या लोभ होगा? शादी भी अदालती शादी होगी तो बारात और दूसरे मेहमानों के झगड़े भी बचेंगे, बस एक पार्टी दे देंगे। राजमाता ने लड़की से उसकी इच्छा पूछ लेने की बेहूदा बात उठाई ही नहीं। भले घर की लड़कियों से क्या ऐसी बातें कहीं पूछी जाती हैं? संतोष के मामा मामी उसकी अनुमति की बात क्या पूछते। मामी ने संतोष को इतना जरूर सुना दिया, पिछले जन्म में तूने जाने क्या पुण्य किए थे, माता पिता बचपन में ही छोड़ गए, फिर खूब पढ़ लिख लिया और अब राजघराने में जा रही है, राज करेगी, कहते हैं 13 गांव की रियासत है, ननद जेठानी देवरानी का भी कोई झगड़ा नहीं। संतोष ने इस विषय में कभी कुछ सोचा नहीं था, अब यही सोचा कि इतने बड़े घर जाकर वो क्या करेगी, कैसे अपने आप को संभालेगी, राजा लोगों के यहाँ जाने से कैसे ढंग और रिवाज होंगे। उसने सुना था कि राजा रजवाड़ों के यहाँ 20 दासियाँ होती हैं, भयंकर पर्दा होता है, चारों ओर अनाचार और अत्याचार होता है। सोचकर शरीर में कपकपी आ गई, लेकिन ये भी सुना कि ये राजा साहब बिल्कुल नए ढंग के बहुत साधु आदमी हैं। विवाह अदालती ढंग से हुआ, लेकिन बैंक मैनेजर शिवप्रसाद श्रीवास्तव के बंगले पर ही। विवाह के समय या पार्टी के समय भी संतोष के घर राजा साहब ने उससे कोई बात कर लेने का यत्न नहीं किया। संतोष तो लज्जा और संकोच से सर झुकाए ही थे। ससुराल की कोठी पर पहुंचकर राजमाता ने संतोष को छाती से लगा, सिर चूम कर प्यार किया और आशीर्वाद देकर कहा, बड़ी प्रतीक्षा करा कर तूने मुंह दिखाया मेरी बेटी। संतोष थक गई थी, उसे दिए गए कमरे में कोच पर लेटी थी। मैं आ सकता हूँ, कहकर राजा साहब भीतर आ गए। संतोष सहम कर सर झुकाकर बैठ गई। राजा साहब उसके समीप कोच पर बैठ गए और धीमे स्वर में बोले, हम दोनों को पूरा जीवन एक साथ बिताना है, इसलिए हम दोनों का आपस में परिचित हो जाना जरूरी है। संतोष ने स्वीकृति दी। राजा साहब कहते गए, विश्वास है तुम्हारी राय तुमसे पूछ ली गई होगी और ये विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया गया। क्यों? संतोष ने घबराकर तुरंत इनकार में सिर हिलाया और मन में सोचा कि कितना कठोर बात कह रहे हैं। राजा साहब ने कहा, व्यर्थ का संकोच हम लोग कब तक करेंगे, हमें बातचीत तो करनी होगी, हमें एक दूसरे से परिचित हो जाना चाहिए ना। संतोष ने सिर झुकाकर हामी भर ली। राजा साहब ने कहा, तुम मुझसे बिल्कुल अपरिचित हो, परंतु मैंने तुम्हें पुरस्कार वितरण के जलसे में देखकर पहचान लिया था, तुम्हारी एक तस्वीर मेरे पास है। संतोष घबरा गई, क्या कहने, मैंने अकेले कब तस्वीर खिंचवाई, ये शुरू में ही क्या होने वाला है, कैसे आदमी है वो, सिहर गई, क्या उत्तर देती। राजा साहब का स्वर कुछ और कोमल हो गया, वो तस्वीर देखोगी, दिखाऊं? संतोष ने भय का सामना करने के लिए धड़कते हुए हृदय को संभाल कर स्वीकृति दी। राजा साहब ने फिर अनुरोध किया, मुंह से बोलो तो लाऊं, दिखाइए।
पूरी शक्ति लगाकर केवल होंठों के शब्द से संतोष ने उत्तर दिया, अभी लाता हूं, कहकर राजा साहब दूसरे कमरे में चले गए। संतोष के दिमाग में आंधी आ रही थी, सोच रही थी क्या कभी कॉलेज से आते जाते किसी ने छिपकर मेरी तस्वीर ली, कैसे लोग होते हैं, क्या होने वाला है। राजा साहब एक एल्बम लेकर लौटे। संतोष के मस्तिष्क और हृदय पर हथौड़े चल रहे थे। कोच पर बैठकर राजा साहब ने एल्बम खोला और संतोष के सामने कर दिया। एल्बम के काले मटियाले कागज पर पोस्ट कार्ड के आकार की तीन तस्वीरें एक साथ लगी थी। तीनों के नीचे लिखा था ममता, करुणा और श्रद्धा। संतोष के मस्तिष्क में घूमड़ रहे बादलों की घटा छट गई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तीनों तस्वीरें मिलती जुलती थी। वो समझ गई कि किसी बहुत बड़े विदेशी चित्रकार ने ये तस्वीरें बनाई थी। बहुत ही सुकुमार रूप, चेहरों पर ममता, करुणा और श्रद्धा के भाव उतने ही व्यक्त थे। राजा साहब ने बीच की तस्वीर की ओर संकेत कर पूछा, यह है ना तुम्हारी तस्वीर। संतोष ने सर हिला दिया, पर अपनी इतनी सुंदर तस्वीर और उस तस्वीर के प्रति राजा साहब का आदर देख मन गदगद हो गया। नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर है, राजा साहब ने आग्रह किया। विश्वास नहीं आता तो आईने के सामने जाकर मिला लो। संतोष ने स्पष्ट इनकार में सर हिलाया। अपनी तुलना इतने सुंदर रूप से किए जाने से बहुत अच्छा लग रहा था। राजा साहब ने कहा, नहीं तुम्हारी ही तस्वीर है, मैंने तुम्हें देखा तो तुरंत पहचान गया कि इस तस्वीर में तुम्हारा ही रूप है। संतोष के मस्तिष्क में दूसरा चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने राजा साहब का रूप बदल गया। कृतज्ञता से उनका सर झुक गया। राजा साहब ने कहा, ऐसे कब तक शर्माओगे, क्या मुझसे बात करने का मन नहीं कहता। संतोष ने सर झुका लिया। राजा साहब बोले, अच्छा एक बात का फैसला हो जाए, मैं तुम्हें करुणा पुकारूंगा, ठीक है। संतोष निशब्द थी। हृदय निकल कर बाहर तो नहीं आ सकता था, वो चाह रही थी कि अपना हृदय निकाल कर इस देवता के चरणों में रख दे। सोफे पर सरक कर फर्श पर आ गई, राजा साहब के चरणों में सर रख कर अपने भाव प्रकट करने, पर राजा साहब ने उसको बाहों में ले लिया। ये ठीक नहीं करुणा, बोलो ना तुम मुझे क्या पुकारोगी। संतोष का सर उनके घुटनों पर टिक गया। उसने कहा, मेरे देवता। देवता नहीं, हम दोनों जीवन भर के मित्र, साथी और प्रेमी हैं, है ना। संतोष ने अपना माथा उनके घुटनों पर रख दिया। उनके चरणों में समर्पित हो जाना चाहती थी, पर उसे अपनी बाहों से रोके थी। इस व्यवस्था ने उसके सुख को कितना पार कर दिया था। कुछ क्षण में इस अपरिचित व्यक्ति से वो कितना प्रेम करने लग गई। राजा साहब ने करुणा से बोला, करुणा क्या बताऊं, कुत्ता बहुत चिल्ला रहा है। संतोष को एक छोटे कुत्ते की पीड़ा के क्यों क्यों करने का आर्द्र स्वर सुनाई दिया। राजा साहब ने कहा, पड़ोसी के एक बरस के बच्चे ने खेल खेल में इसकी आंखों में लकड़ी मार दी है, बहुत खून बहा। राजा साहब कुत्ते को गोद में लिए। कुत्ते की एक आंख और सर पट्टी में लिपटा था और राजा साहब से लिपटा जा रहा था। राजा साहब उसे पुचकार रहे थे। संतोष ने उस कुत्ते को गोद में लेना चाहा तो राजा साहब ने कहा, नहीं तुम्हें नहीं पहचानता, नहीं मानेगा। वो बहुत देर तक उसे सहलाते रहे और संतोष उनकी इस अद्भुत करुणा को बड़ी मुग्ध दृष्टि से देखते रही। कुत्ते को व्याकुल होता देख राजा साहब उठे और बोले, क्या एस्पिरिन या कोई और दवाई उसका दर्द रोकने के लिए नहीं दी जा सकती। डॉक्टर ने कोई दवाई बताई थी। राजा साहब ने दवाई का नाम लिखकर चौकीदार को दिया और बोला, जाओ जहां से मिले वहां से दवा लाओ। चौकीदार को अंधेरे में जाते देख कर उन्हें टोका और कहा, रात में ऐसे मत जाओ, ड्राइवर को कहो गाड़ी में जाकर दवाई लाए। संतोष देख रही थी और सोच रही थी कि पल पल में श्रद्धा के सागर में वो डूबती उतराती जा रही हूँ। राजा साहब ने संतोष के दोनों कंधों पर हाथ रखकर क्षमा मांगी और कहा, करुणा मेरी इस बेवकूफ़ी से परेशान तो नहीं हुई। आनंद और संतोष से विभोर होकर संतोष ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं। राजमाता अपनी जान सी बहू से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन इस बात का क्षोभ था कि अपने एकमात्र पुत्र के विवाह में वो मन का कोई उत्साह पूरा कर नहीं पाई। कब से जिद कर रही थी कि लखनऊ में राजा साहब ने सब कुछ अपने साहबी तरीके से कर लिया, लेकिन रियासत में वो प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगी।
रियासत में जाने पर कुछ न कुछ तो करेंगी। अहलकार कामी कमी नेक की उम्मीद करने वाले लोगों के साथ अन्याय क्यों हो। रियासत की रानी को एक बार चार दिन के लिए तो अपने घर जाना ही चाहिए, फिर चाहे लौट कर लखनऊ ही रहे। प्रजा क्या जानेंगी कि उनकी रानी है कि नहीं। राजा साहब को माँ के उपवास के डर से उनकी बात भी माननी पड़ी। होली पर रियासत में जाने की बात पक्की हो गई। राजमाता मुंशी जी को लेकर संक्षिप्त से जलसे की तैयारी की बात करती रही। संतोष को देहात का परिचय नहीं था, उतना ही परिचय था जितना पुस्तकों और उपन्यासों से। वो स्वच्छंद वातावरण की और प्रकृति की शोभा में जाने की बात सोच रही थी। ये भी ख्याल था शायद वहाँ पर्दे के अदब कायदे निभाने पड़ेंगे। राजमाता कुछ दिन पहले ही रियासत में जा चुकी थी। राजा साहब और संतोष के पहुँचने की तारीख निश्चित थी। उस दिन उनके स्वागत के लिए राजमहल के सामने स्कूल के लड़कों और प्रजा के एकत्र होने की बात थी। राजा साहब ने संतोष से बात की, करुणा इतने लोग भीड़ भड़क्का करके खुद परेशान होंगे और हमें भी परेशान करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, हम दो दिन पहले ही चले जाएं तो क्या हर्ज है। संतोष ने हामी भर दी। राजा साहब और संतोष बहुत बड़ी शिवरलेट गाड़ी में खूब तेजी से लखनऊ से 72 मील दूर जगनपुर की ओर चले जा रहे थे। पक्की सड़क पर 55 मील एक घंटे में चले जाने के बाद मोटर कच्ची सड़क पर चलने लगी। मोटर के पीछे धूल की ऐसी घटा उठ रही थी कि उसके बीच से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। गाड़ी के धीमे चलने पर भी ऐसे हिचकोले लगते थे कि शरीर उछल जा रहा था। सूर्यास्त का समय हो रहा था, ढाक फूल कर जंगल लाल हो रहे थे, कहीं कहीं सरसों के फूल और खेत नजर आते थे। संतोष आंखें फैलाकर इन नई चीजों को देख रही थी। सड़क के किनारे टेढ़ी मेढ़ी कच्ची दीवारों और फूस के छप्परों से छाए गांव दिख रहे थे, कहीं फूस और उपलों के स्तूप। गांव के समीप से जाते समय गोबर की दूसरी दुर्गंध गाड़ी के बंद शीशों के भीतर भी आ रही थी। मोटर को देखने के कौतूहल में नंगे बच्चे लड़के और लड़कियां सूखे सूखे काले हाथ पांव और फूले हुए पेट लिए रास्ते के दोनों ओर खड़े होते थे। संतोष को सूर देखते देखकर राजा साहब ने धीमे स्वर में कहा, ये है हमारे गांव की शोभा। और फिर कुछ सोचकर बोले, और इन्हीं गांवों की पैदावार पर शहरों की शोभा और ढाट है। ये गाड़ी भी जिसमें बैठे हम इनके पास से गुजरते हुए अपनी नाक तपा रहे हैं। संतोष लजा गई, नाक पर रखा रुमाल हटा लिया। उसने श्रद्धा से फैली हुई आंखों से राजा साहब के चिंतित चेहरे की ओर देखा और सोचा, कितने विचारवान हैं ये। मोटर रियासत में राजमहल के सामने पहुंच गई। अभी अंधेरा घना नहीं हुआ, मोटर को देखते ही खलबली मच गई। राजा साहब उस हलचल की उपेक्षा कर संतोष को साथ लेकर भीतर चले गए। सुबह संतोष की नींद जल्दी खुल गई। राजा साहब के कमरे महल की तीसरी मंजिल पर थे। नींद खुलते ही संतोष के कान में पहला शब्द पड़ा कोयल की कूक का। उसका मन प्रफुल्लित था अपने घर अपने राज अपनी प्रजा का आदर पाने के लिए। उठते ही कोयल की कूक कान में पड़ने से उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। बिना आहट किए वो पलंग से उठी और शोभा की झलक पाने के लिए खिड़की की ओर चली। संतोष को अचानक एक शब्द सुनाई दिया, किसी के पीड़ा में चिल्लाने का आर्तनाद। एक सिहरन सी हुई, उसकी नजर महल के नीचे गई। बाईं ओर महल के साथ खींचे छोटे से अहाते की कार्रवाई ऊपर से दिख रही थी। पीड़ा में चिल्लाने की आवाज वहीं से आ रही थी। संतोष ने सांस रोक कर उस ओर देखा और फिर ध्यान से देखा कि कई आदमी विचित्र पीड़ित अवस्था में झुके अपनी टांगों के नीचे से बाहें निकाल कर अपने झुके सर में से कानों को पकड़े मुर्गे बने हुए थे। आसपास कमर में चपरासियों जैसी पेटियां बांधे कुछ लोग खड़े थे। जमीन पर गिर पड़े एक आदमी को एक चपरासी डंडे से मार रहा था और मार खाने वाला आदमी गला फाड़ कर दया के लिए चिल्ला रहा था। संतोष कांप उठी, अधीर होकर पुकारी, देखिए देखिए, वो राजा साहब की पलंग की ओर छपटी। राजा साहब की नींद टूट गई, वो उठकर आंखें मल रहे थे। संतोष की पुकार सुन चौंके और उसकी ओर देखा। उसे खिड़की ओर आते देख और सुबह के सन्नाटे में नीचे से आती चिल्लाहट सुनकर उनका विस्मय का भाव जाता रहा। उन्होंने कहा, करुणा उधर नीचे का चेहरे की तरफ मत देखो, ये सब तो रियासतों में होता ही रहता है।
संतोष की सांस रुक रही थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, शायद इस जलसे वलसे की वसूली की बात होगी, लगान नहीं दे पाए होंगे। तुम उधर मत देखो करुणा, ये तो होता ही है, होगा ये, स्नेह से राजा साहब ने समझाया। पर आप तो दया, संतोष ने हांफते हुए कहना चाहा। हाँ, पर इन बातों में दया की गुंजाइश कहाँ है, इसी व्यवस्था पर तो हमारा अस्तित्व है। शहद खाना है तो मक्खियों से छीनना ही पड़ेगा करुणा, दया कर सकने का साधन भी तो इसी से आता है। संतोष सर पकड़कर फर्श पर बैठ गई। ये सब शायद उसके रियासत में आने की खुशी मनाने के लिए हो रहा है। राजा साहब ने फिर स्नेह से पुकारा, करुणा। ये संबोधन सुनकर संतोष का मन चाहा कि अपना सर फर्श पर पटक दे। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर कार्यक्रम कहानियों का कारवां में यशपाल की कहानी करुणा। आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमसे जुड़ने के लिए पेज को लाइक करें। हमारे बारे में अधिक जानने और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो ऐसे ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।